वोकल के अंदर क्लैरिटी कैसे लेकर आए, डिले क्या चीज होती है, कोरस कैसे बनाया जाता है, मैनुअल ट्यूनिंग ऑटो ट्यूनिंग क्या बला है, ऐसे बहुत से सवाल आपने पूछे थे मेरी कमेंट सेशंस पे। तो वो वक्त आ गया है कि मैंने आपसे कहा था कि बाकायदा जो है वो हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे आपको और इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो वो वक्त बिल्कुल शुरू हो चुका है, हमने बाकायदा स्टार्ट कर दी है वो सीरीज जिसकी ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अली और आप देख रहे हैं JAQ स्टूडियो व्लॉग्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी सीरीज में आज ये फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा व्हाट इज टेम्पो। टेम्पो क्या बला है, ठीक है? आपने बहुत से स्टूडियोज में ये ट्रम हो सकता है सुनी हो सकता है काफी बार आपने कुछ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देखे हो क्यूबेस के अलग अलग DAW के, तो उसमें एक वर्ड यूज होता है टेम्पो टेम्पो टेम्पो। तो ये टेम्पो क्या है, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको ये ट्रम बिल्कुल समझ आ जाएगा और ना सिर्फ समझ आएगा बल्कि आज की इस वीडियो में बाकायदा मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दूंगा और एक प्रैक्टिस भी दूंगा और एक होमवर्क भी आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बता दूं कि लास्ट में आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है? लेकिन पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, बल्कि इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, ठीक है? बहुत सी मालूमात है और बहुत सी गुड न्यूज है जो आपसे शेयर करनी है। तो हम आ गए क्रोम पर, यानी गूगल पर आ चुके हैं और ये तमाम मेथड आप अपने फोन से भी कर सकते हैं। गूगल पर आने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे मेट्रोनॉम, ठीक है? मेट्रोनॉम टाइप करके हमने एंटर किया तो हमारे सामने एक स्क्रीन खुल गई जिसपे आप देख सकते हैं कि प्ले का भी बटन आ गया और कुछ 100 और इस तरह प्लस और माइनस हमें शो हो रहा है। क्या चीज है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो 100 लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है BPM। BPM का मतलब होता है बीट पर मिनट, ठीक है? और इस प्ले के साउंड पे जब हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे तो एक साउंड हमें सुनने को मिलेगा। गौर कीजिएगा, एक टिक टिक साउंड आपको महसूस हो रहा होगा। मेक श्योर कि आपने हेडफोन या हैंड फ्री वगैरह लाजमी यूज की होगी, ठीक है? उसके बाद एक स्पेसिफिक स्पीड पे ये चल रहा है और इसकी स्पीड जो है वो खुद यहाँ पर मेंशन की गई है बाय डिफॉल्ट 100। इसको हम स्लो या फिर तेज भी कर सकते हैं, जरा तेज करके देखते हैं, ठीक है? और तेज करने का मतलब ये है कि ये बीप का जो साउंड है ये एक मिनट के अंदर उतना होगा जितना आपने हमने अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ, यानी 132, ठीक है? इसको जरा प्ले करके देखते हैं, अब इसकी स्पीड भी खासी फास्ट हो गई होगी, ये देखें, ठीक है? महसूस हो रहा है। अच्छा, अब इस पे हमारा क्या काम, हमारा ये काम है कि हम अपने कलाम को, ठीक है, एक खास स्पीड पे इस पे इजीली तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जरा मैं आपको पहले सही तरीके से भी रिकॉर्ड करके बताता हूँ, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको जो है वो मतलब थोड़ा सा गलत पढ़ के भी बताता हूँ तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसकी स्पीड रख लेता हूँ, यूं समझे कि हम 91 तक मैंने रख दिया, ठीक है? इसको प्ले करते हैं, उसके साथ साथ मैं कलाम को पढ़ना शुरू करता हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कल्बी गैरुल्लाह, ठीक है? इससे देखें आपको बिल्कुल हमें जो है वो पता चल रहा है कि कैसे कैसे मतलब वो क्लिक के साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें वीडियो देख रहे हैं उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो टेम्पो को मतलब इजीली पकड़ लेते हैं, ये कुदरती होता है, ये नेचुरल अमल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई कुछ लोगों को फौरन से वो टेम्पो उनको कैसे समझ आ रहा है या कुछ लोग कमजोर उनको समझ कैसे नहीं आ रहा, तो ये एक नेचुरल अमल है। एयर ट्रेनिंग इसमें बेसिकली हम कर रहे हैं और अगर आप नहीं भी पकड़ पा रहे तो मैं आपको एक प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा और कुछ आपको जो है एक तरह से होमवर्क भी दूंगा, उसको आप तकरीबन एक दो हफ्ते तक अगर आप घर पे खुद ट्राई करें तो आप भी बिल्कुल टेम्पो को समझ सकेंगे और आपकी भी बाकायदा अच्छी तरीके से एयर ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के लोग जो है वो हमें सुन रहे होंगे, एक वो जो कि ईजिली इस चीज को ग्रिप कर लेंगे और एक वो जो ईजिली ग्रिप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो दोनों लोग इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इन दोनों प्रैक्टिस को कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। और प्रैक्टिस करने के दौरान आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी घर के फर्द को या किसी भी दोस्त वगैरह को अपने साथ बिठाएं और ये बीप का साउंड चलाएं और उसके साथ साथ पढ़ें, ठीक है? उसके साथ साथ पढ़ें और उसको कहें कि क्या ये मेरी बीप का साउंड और मेरी आवाज क्या मैच कर रही है। अगर ये मैच कर रही है, समटाइम ऐसा होता है हम पढ़ रहे होते हैं हमें लग रहा है हम अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ओके पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमें कोई तीसरा बंदा जज कर रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारी गलतियों को पकड़ रहा होता है और उससे हमें बहुत फायदा होता है कि हाँ यार हम यहां गलती कर रहे थे, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बिल्कुल इसके साथ पढ़ के बताया, एक बार फिर सुनाता हूं।
اسبی ربی جل اللہ فی قلبی, اس کا شعر ایک, اس کو بھی میں جو ہے نا ٹکڑوں میں جھٹکے دے دے کے پڑھ کے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف سمتے نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. اب دیکھیں میرا ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ جھٹکا اس بیپ کے ساتھ بج رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پتہ چل رہا ہے بالکل ٹیمپو پہ. اب میں بالکل نارمل ہو کے پڑھتا ہوں. سمتے نبی بو جہل گیا, ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا صحیح طریقہ. اب میں آپ کو غلط طریقے سے پڑھ کے بتاتا ہوں, اور اگر آپ نے ہیڈ فون وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور غور آپ کریں گے تو آپ کو بالکل محسوس ہوگا کہ ہاں بیٹ کا ساؤنڈ الگ چل رہا ہے اور میرا ساؤنڈ الگ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ذرا ٹرائی کرتے ہیں. سمتے نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ. دیکھیں بالکل الگ الگ آپ کو ساؤنڈ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی اسپیڈ تیز بھی کرتے ہیں. سمتے نبی بو جہل گیا آقا سے اس, بالکل الگ الگ ہو. سمتے نبی بو جہل گیا, اس میں اور اس میں فرق ہے دیکھیں. سمتے نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمتے نبی بو جہل گیا آقا سے. تو یہ چیز ہوتی ہے ٹیمپو, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے کہا کچھ لوگ تو فوراً سے گرپ کر لیں گے, کچھ لوگ نہیں کر پائیں گے. تو آئیے ذرا میں آپ کو پریکٹس کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں اور منٹوں میں آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ایک اماؤنٹ رکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں نے رکھا 110, تھوڑا سا سنیں گے. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, چاہے تو آپ 10 تک بھی کر سکتے ہیں اس کو. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ٹھیک ہے. اب بالکل اس کے ساتھ ہی اب غلط کر کے دکھاتا ہوں. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, بالکل ڈفرینٹ چل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ 1, 2, 3, 4, 5, اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر اس کی اسپیڈ کو تھوڑا بڑھائیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ پریکٹس کریں. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کرنے کے بعد پھر آپ نے سلولی سلولی کوئی ایک کلام جو ہے وہ اس پہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ڈے آپ دوسرا کلام, نیکسٹ ڈے تیسرا کلام, اس کے آگے تیسرا کلام, پھر کسی بندے کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کے ساتھ پڑھیں. تو اس طرح یہ پریکٹس کریں, آپ کا ٹیمپو ہو جائے گا زبردست قسم کا, ٹھیک ہے, اور اچھی طریقے سے ایئر ٹریننگ ہو جائے گی. اور وہ لوگ جو مجھے کلام ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ٹیمپو پہ ریکارڈ نہیں کر پاتے, تو بھائی ان کے لیے تو یہ بیسٹ میں نے ایک جو ہے نا وہ ٹیکنیک بتا دی ہے. اگر کسی ساؤنڈ ڈیوائس پہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, کسی مائک پہ ریکارڈ کر رہے ہیں, کسی سافٹ ویئر پہ بھی کر رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, گوگل پہ آن کر لیں, یا موبائل پہ بھی آپ اگر مجھے کلام ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں, تو سمپل طریقہ ہے آپ کسی دوسرے فون سے, اگر مثال کے طور پہ ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم ایک فون پہ ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں مکسنگ کے لیے کلام, تو ایک فون لوں گا جس پہ میں کلام ریکارڈ کر رہا ہوں, اور ایک فون ایکسٹرا میں کوئی بھی لے لوں گا اور اس پہ میں ہیڈ فون یا ایئر پوڈ وغیرہ کوئی بھی کنیکٹ کر لوں گا اور اس پہ یہ بی پی ایم چلا لوں گا, اور جو بی پی ایم میں نے پہلے سے ہی پریکٹس کر کے ڈیسائڈ کیا ہوا ہوگا بل فرض 120, تو وہ میں اس میں لکھوں گا اور وہ میرے کانوں میں چل رہا ہوگا اور دوسری ڈیوائس سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ جب ریکارڈنگ کریں گے وہ پوری کی پوری ٹیمپو پہ کلام ہوگا, اور ٹیمپو پہ ریکارڈ کرنے سے آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی زبردست اور بالکل ایک اچھا جو ہے وہ ہمارا کلام ریکارڈ ہوتا ہے, اور اس ریکارڈ کر کے آپ ہمیں وہ کلام بھیج سکتے ہیں اور اس کی اماؤنٹ بھی ہمیں آپ بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس آپ کیجئے گا, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہم سافٹ ویئر کی طرف بھی لے کے جائیں گے اور سافٹ ویئر پہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پر کیسے جو ہے وہ ٹیمپو وغیرہ سیٹ ہوگا. فی الحال تو ابھی ہم اس چیز کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ ٹیمپو کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم سافٹ ویئر کے ٹیمپو پہ بھی آئیں گے. ٹیمپو کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں, بہت بڑا سمندر ہے, بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم آگے دیکھیں گے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے, اور ٹھہریے ذرا, کچھ اور بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں. آپ لوگ بعض اوقات ہم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا ریپلائی میں نہیں کر پاتا ہوں سم ٹائم مصروفیت کی وجہ سے, تو اب ہم نے صرف میں یوٹیوب پہ صرف ایکٹیو ہوا کرتا تھا, اب باقاعدہ ہم نے پوری اپنی ایک سوشل میڈیا کا پورا ایک نیٹورک بنا لیا ہے. آپ کو اب جے کیو اسٹوڈیو, جے کیو پروڈکشن, انسٹاگرام, فیس بک,
टिकटॉक और इसके अलावा तमाम सोशल नेटवर्क्स पे नजर आएगा। अगर उनके लिंक्स आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उनके तमाम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और स्पेशली इंस्टाग्राम को हमने बनाया है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कोई टेक्निकली सवाल है, तो आप बिल्कुल हमें इंस्टाग्राम पे जाएं, उसको फॉलो करें और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो मेरे ब्लॉग्स पे आपको एक नंबर शो हो रहा होता है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए नहीं है। अगर आप मिक्सिंग करवाना चाह रहे हैं तो मिक्सिंग के लिए उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के बाद ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। और हमारे इस चैनल पे हमने कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियो के तौर पर भी जो है वो कुछ स्पीड में बताई जाने वाली मालूमात, लेकिन अच्छी मालूमात आपको दी जाए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बने तो कमेंट्स में आप उन टॉपिक्स के नाम लिखें, क्वेश्चन मत पूछें, टॉपिक के नाम लिखें। इंशाल्लाह जितने ज्यादा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड की जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट में अपने तासुरात दें। और हमारे सोशल मीडिया के हवाले से जो मैंने बता दिया भाई, डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, उसको भी करें। और व्हाट्सएप चैनल के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है, तो अगर उसको भी फॉलो नहीं किया तो भाई उसको भी फॉलो कर दें। हमारे नए नए कलाम जितने भी आते हैं तमाम की तमाम लिंक्स उसके अंदर आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।